त्रिवेदीगंज का है, जहां एडीओ पंचायत को 25,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल देवी ग्राम पंचायत में बैंक के एक सीज खाते को खुलवाने के एवज में एडीओ ने ग्राम प्रधान से पैसे की मांग की थी। ऐसे में ग्राम प्रधान ने एंटी करप्शन वालों से संपर्क साधा और रिश्वत की मांग संबंधी शिकायत की। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर एडीओ पंचायत को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। श्री प्रमोद कुमार वर्मा जो देवीपुर गांव के प्रधान हैं, ये हमारे मुख्यालय पर गए थे लखनऊ में। वहां पर इन्होंने एक हिसाब से का एप्लीकेशन दी थी कि जो वित्तीय पैसा आता है राजकोष से, उसमें इसकी एडीओ पंचायत की स्वीकृति लेनी रहती है, तो वो स्वीकृति देने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। तो इस पर इन्होंने 10,000 रुपया शुक्रवार को ही उसको दे दिया था, 15,000 रुपया, और उसके बाद उसने कहा कि 25,000 रुपया तुम त्रिवेदीगंज ब्लॉक पर आकर मुझे दे देना। तो उसी उस पर कार्रवाई की गई और आज इसको सिर्फ हाँ सेवा कांत सिंह एडीओ पंचायत को हैदरगढ़ ब्लॉक में इसके आवास के सामने ही 25,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया गया है। और जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, 25,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, पूरा मामला बताइए, क्या मामला हुआ था? देखिए, ये हैदरगढ़ कोतवाली के त्रिवेदीगंज ब्लॉक का मामला है। ये सहायक विकास अधिकारी पंचायत शिवाकांत सिंह है, इनके ऊपर जो है इनको 25,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। ये पहले भी मांग कर रहे थे, लगातार प्रधान जब परेशान हो गया तो इन्होंने लखनऊ जाकर एंटी करप्शन विभाग में संपर्क किया और उन्होंने जो है ये कड़ी कार्रवाई की है जी। लेकिन क्या पहले से शिकायत की गई थी विभाग को, ये इससे पहले भी घूस लेते हुए पकड़े गए थे? देखिए, ये लगातार प्रताड़ित कर रहा था, ग्राम विकास अधिकारी लगातार ये परेशान कर रहा था प्रधान को, और शिकायत तो पहले नहीं की थी। इसके बाद जब ये परेशान हो गया तो इसके बाद इन्होंने जो है लखनऊ जाकर इसकी शिकायत की, तो एंटी करप्शन विभाग के लोगों ने 8 सदस्य टीम ने आकर इनको घेराबंदी की और तरीके से कार्रवाई हुई है। अब इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी तक इनको जो है हैदरगढ़ कोतवाली में रखा गया है, आज इनको जेल रवाना किया जाएगा और अभी पूछताछ जारी है इनके खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।